लीवर यूनिक है, इसको कहते हैं केमिकल फैक्ट्री। जो एपिडेमिक हो रहा है, एपिडेमिक लीवर बीमारी का, वो फैटी लीवर, जॉन्डिस लीवर का सिम्टम होता है। वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस ए और ई, ये खाने से पानी से जाता है, दरमियान पेशेंट को सिम्टम होने लगता है, इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। लेकिन लीवर ही एक ऑर्गन है हमारे, तो दो ब्लड सप्लाई है। हाय हेलो नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बातों बातों में हमारे साथ है बॉम्बे हॉस्पिटल के मुख्य हिपाटोगैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर निरंजन बनका जी। यस, डॉक्टर निरंजन बनका जी, जिनके साथ हम लोग ने एक एपिसोड किया था, हेल्थ का एपिसोड था, क्या ये गैस है, एसिडिटी है या हार्ट बर्न, और दर्शकों ने, व्यूअर्स ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आज मैं फिर से एक हेल्थ टॉपिक लेके आई हूँ और हमारे व्यूअर्स दर्शकों के लिए, कि एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में, एब्डोमेन में बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गन है, बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, बट यही ऑर्गन अगर कुछ डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल के वजह से डैमेज हो जाए, यानी कि लीवर अगर डैमेज हो जाए तो बहुत से डिजीजेस हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर निरंजन बनका जी से। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, फिर से दोबारा एक बार स्वागत। मैं नवभारत का और माधवी आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग फिर से मिल गए यहाँ पे, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने देखा है लीवर के लिए। आई थिंक इट विल बी वेरी एंजॉयबल, इसको हम लोग थोड़ा नॉलेज शेयर करते हैं। यस सर, बहुत मजा आएगा। सर, मैं पहले तो स्टार्ट करूंगी एक बेसिक क्वेश्चन से, कि जैसे कि मैंने बोला कि इज द लार्ज ऑर्गन इन द एब्डोमेन लीवर, बट क्या बेसिक एनाटॉमी क्या है लीवर की, और ये बहुत से फंक्शन करता है जैसे कि ब्लड फिल्टरिंग, तो कौन से ऐसे और भी फंक्शंस है लीवर के? ये एनाटॉमी का नाम लेके यार मुझे आप मुझे नर्वस कर रही हो, ये तो जैसे मेडिकल स्कूल में क्लास हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लीवर में तीन लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और एक छोटा लोब और होता है, कॉर्डेट लोब बोलते हैं जिसको। लोगों को मालूम है खाली दो ही लोब्स होते हैं, क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम लोग, राइट, तब एक छोटा लोब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अंदर। ओके, लीवर यूनिक है, इसको कहते हैं केमिकल फैक्ट्री। नॉर्मली हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को एक ही ब्लड सप्लाई होता है, आर्टरीज उससे ब्लड सप्लाई होता है और वेन्स उससे ब्लड सप्लाई, खराब खून वापर आता है। लेकिन लीवर ही एक ऑर्गन है हमारी जिसमें दो ब्लड सप्लाई है, मतलब आर्टरी से भी होता है, वेन से भी होता है, ये बहुत अहम रखता है लीवर का फंक्शन। केमिकल फैक्ट्री, उसको बेचारे को कितना काम करना है, यू नो, सिंथेसिस मतलब अच्छी चीजें बनानी है, डाइजेस्टिव बाइल बनाना है, जो स्टमक में से, आंतों में से अब्सॉर्ब होकर टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं उनको करना है, दवाओं को करना है। तो इट इज ए वेरी वेरी यूनिक ऑर्गन इन द एब्डोमेन, एंड आई थिंक इट विल बी फन टू टॉक डिटेल्स अबाउट दिस। यस सर, जैसे आपने कहा कि बहुत यूनिक है और बहुत अच्छे, यानी बहुत मेन बॉडी फंक्शंस ये करता है, बट सर यही अगर लीवर डिजीजेस, बहुत बार ऐसे होता है कि लीवर डिजीजेस बहुत सुनाई देते हैं कि किसी की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सम लीवर डिजीज, सो मैं बेसिक पूछूंगी व्हाट डू यू मीन बाय लीवर डिजीज, और उसी के साथ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत कॉमन है जॉन्डिस, सो जॉन्डिस को भी कहा जाता है कि इज इट ऑल्सो अ लीवर डिजीज, क्या ये मिथ्स है या कोई एक साइंटिफिक रीजन है इसके बारे में? जॉन्डिस लीवर का सिम्टम होता है। ओके, जॉन्डिस क्या होता है, आंखें पीली हो जाती है, राइट, कोई अलग अलग भी कारण है, जैसे कैरोटीन सब्सटेंस आता है उससे भी आंखें पीली हो जाती है, लेकिन मेन कारण अगर जॉन्डिस किसी को देखा तो लीवर की बीमारी है जरूर। अब क्यों जॉन्डिस होता है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करनी चाहिए अपने को। लीवर मैन्युफैक्चर करता है जिसको कहते हैं बाइल, बाइल येलो होता है। अब ये बाइल सिंथेसिस होके यूजुअली हाथों में चला जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, कहीं भी इफेक्ट नहीं होता कि येलो रहने का। अगर लीवर डैमेज हो जाए, सूजन आ जाए उसके अंदर, कोई भी कारण से बताएंगे क्या क्या कारण होते हैं, अगर ये बाइल नीचे हाथों में नहीं जाके खून में आ जाए, रिफ्लक्स हो जाए यहाँ पर, तो फिर पहले आंखें पीली हो जाती हैं, फिर पेशाब येलो आने लगता है, फिर चमड़ी येलो हो जाती है। कोई टाइम बाइल बन रहा है, लीवर में सूजन नहीं है, लेकिन बाइल नीचे जो बाइल डक्ट में से नीचे आंतों में आता है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कोई कारण से, जैसे स्टोन फंस गया, कॉमन बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, या कैंसर से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो बाइल नीचे नहीं जा रहा है, इतना बाइल का प्रेशर ज्यादा हो जाता है,
कि पीछे आपको ब्लड में आने लगता है, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये अलग अलग कारण है जिससे आंखें पीली हो जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि लीवर की बीमारी है। यानी ये डिजीज नहीं है बट ये सिम्टम है। येलोनेस सिम्टम है, लेकिन yes. अपने को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या डिजीज है अंदर लीवर में। राइट right. हालांकि लीवर डिजीज से ही होता है येलो, लेकिन ये सिम्टम है। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था हेडेक अलग अलग yes. तरह से, गैस अलग, वैसे जॉन्डिस भी अलग अलग तरीके से होता है। लोगों के मन में है कि भी जॉन्डिस खाली लीवर की बीमारी से होता है, नहीं। अभी कोइंसिडेंस है, अभी रमादान चल रहा है, तो एक कॉन्जेनिटल मतलब लीवर में जो बाइल मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब आदमी ज्यादा भूखा रहता है तो उसकी आंखें पीली होने लगती हैं। कई लोगों जिनको ये होता है उसको कहते हैं गिल्बर्ट सिंड्रोम, गिल्बर्ट इसका नाम है, बीमारी नहीं है, लीवर की बीमारी नहीं है, नहीं है लेकिन आंखें पीली हो जाती है, तो भाग के आते हैं। रमादान में हम ज्यादा देखते हैं, नॉर्मल आदमी आते हैं, डॉक्टर साहब पीला लग रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं, तो इनको हम टेस्ट करके फाइंड आउट करते हैं, भाई आप खाओ पियो मौज मस्ती करो, कुछ नहीं, आपको बीमारी नहीं है, ये जिंदगी भर रहेगा आपको। और एक नाम लेके जहां भी अलग डॉक्टर के पास, मुझे डॉक्टर बनका ने कहा गिल्बर्ट सिंड्रोम है, आप फिक्र मत करो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि जॉन्डिस है लेकिन बीमारी नहीं है। यस सर, तो जैसे आपने एक सिम्टम कहा सर, तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स है जिसे हमें पता चल सकता है कि हमें कोई लीवर की डिजीज या कुछ सिम्टम्स ऐसे कि जिसे हम लोग को डॉक्टर के पास चेक करने के लिए जाना चाहिए। चलो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सिम्टम्स को, यस ये सिम्टम है कि नहीं लीवर बीमारी में। एक बारिश में या फूड इन्फेक्शन में या कंटेमिनेशन में, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं हिल स्टेशन पे, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, पर्टिकुलरली बॉम्बे में बारिश में वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। राइट राइट, जब वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस ए और ई ये खाने से पानी से जाता है, इस दरमियान पेशेंट को सिम्टम होने लगते हैं, इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। जब वायरस शरीर में जाता है उसको 4 हफ्ता लगता है, तब वो लीवर में जाके बैठता है। okay. तब आदमी को नोसिया, भूख, हरारत, शाम को बुखार आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भूख कम हो रही है, और ये चलता रहेगा, फिर उल्टी होने लगती है, ये चलता रहेगा, फिर जॉन्डिस हो जाती है। तो यूजुअली डॉक्टर्स भी डायग्नोज करते हैं 1 हफ्ते बाद में कि आपको जॉन्डिस पीलिया हो गया है। पहले उनके सिम्टम नॉन स्पेसिफिक है, फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया, बुखार में उल्टी होने लग गई, दवा ले ली होगी आपने, खाना गड़बड़ खाया होगा, उससे उल्टी हो रही है, लेकिन ये इनक्यूबेशन पीरियड में 1 हफ्ता लगता है कोई टाइम जॉन्डिस होने में। वैसे ही वायरस ए या ई जिसमें होता है, सो दिस इज सबसे ज्यादा जरूरी, लोगों को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जब तक लीवर 70% डैमेज नहीं हो जाए, जैसे उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, एडवांस बीमारी होती है, आदमी खाता पीता मौज मस्ती करता है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर कैसे मालूम करें हम लोग? हाँ सर, एंड थैंक्स टू द हेल्थ चेकअप स्कीम्स नाउ, अगर हेल्थ चेकअप में आपको लगता है लीवर के एंजाइम एसजीओटी एचसीपीटी ज्यादा है, पेशेंटों को तकलीफ नहीं है, अगर एसजीओटी एचसीपीटी ज्यादा है तो इसको चेंज करना चाहिए अपने को कि लीवर का बीमारी है कि नहीं है। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक लीवर 70% डैमेज नहीं हो जाए, आदमी खाता पीता मौज मस्ती करता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि कई टाइम पेशेंट्स खून का उल्टी बकेट में लेके आते हैं, खून का उल्टी हो गया, सब पैनिक हो जाते हैं, और हम तपास करते हो, कहते हैं भाई आपका लीवर तो 70% डैमेज हो गया है, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हो, 1 हफ्ता पहले तो मैं खाता पीता मौज मस्ती करता था, अचानक बोलते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस सिम्टम है कि लीवर ज्यादा बीमारी होते जाए लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। यूजुअली इसको कहते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ चेकअप में हम लोग लीवर की, जैसे कि एसजीपीटी और एसजीओटी, ये हमें टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हमें पता चल जाएगा वी आर नियर टू द लीवर डिजीज और नॉट। सर मैं अभी दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगी, सिम्टम्स हम लोग ने जान लिए, लीवर डिजीज जान लिया, बट ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स है या लाइफस्टाइल है जिसके वजह से ये लीवर डिजीज होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये आज के लाइफस्टाइल का क्वेश्चन है। मैं आपको और व्यू दे देता हूँ। डरते थे हम लोग पहले कि खाने पीने से जॉन्डिस हो गया, शराब पीने से लीवर खराब हो गया है, ड्रग से खराब हो गया है। आज दुनिया में जो एपिडेमिक हो रहा है, एपिडेमिक लीवर बीमारी का, वो फैटी लीवर, फैटी लीवर। अब लीवर में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, नॉर्मल लीवर होता है, फिर फैटी लीवर होता है, इसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे क्या आता है। ये फैटी लीवर अगर चलता रहे थोड़े दिन तो उसके बाद में फिर लीवर सिरोसिस होने लगता है, और ये सिरोसिस होने लगता है फिर उसमें लीवर कैंसर हो जाता है। तो नॉर्मल लीवर से स्टेजेस आते हैं, फैटी लीवर, फाइब्रोसिस हो गया, फिर सिरोसिस हो गया,
कैंसर हो गया। तो इस दरमियान अगर हम लोग हेल्थ चेकअप में एसजीओटी एसजीपीटी पकड़ लिए तो जल्दी लीवर की बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस लीवर डेवलपमेंट होते हैं, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ लीवर। यानी एक टॉपिक एक इंटरव्यू में खत्म होने वाला नहीं है, हमें इस पे और बहुत से एपिसोड हम करेंगे। पर सर मैं पूछना चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, या मैं हमारे लीवर को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, क्या क्या हम लोग के डेली रूटीन में हम लोग को ऐसे लाना चाहिए कि जिससे कि हमारा लीवर हेल्दी रहे। तो जैसे मैंने कहा, वायरसेस, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, हाइजीन नहीं है जहाँ पे, अगर इसमें हम लोग ध्यान दें, फिल्टर पानी पी रहे हैं हम लोग, ध्यान से पानी पी रहे हैं, बाहर कहीं भी जंगल में जाएंगे तो मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो एक थोड़ा हिस्सा अपना कंट्रोल में आ जाएगा कि भी वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, मेडिसिन, कई दवाएं हैं जो लीवर पे काम करती है, पर्टिकुलर टीबी की दवाएं हैं वो, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए अपने को। तीसरा, न्यूट्रिशियस डाइट, ओबेसिटी, फैट, हाई ट्रिग्लिसराइड्स, ये सब अपने को ध्यान रखना चाहिए जिसमें लीवर में फैट जमा नहीं हो। और चौथा, एल्कोहल, ऑफकोर्स एल्कोहल तो छोड़ना ही पड़ेगा लोगों को। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, लीवर में इसी, व्हाट इज फैटी लीवर, फैटी लीवर क्या है, फैट ऑल ओवर द बॉडी, व्हाई नॉट फैट इन द लीवर। यस, तो बाहर से तो फैट दिखता है, जो बाहर से फैट दिखने वाला है उनका लीवर एट रिस्क है, तो ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर से फैट लग रहा है उनका लीवर टेस्टिंग करना चाहिए, फैटी लीवर। तो मैं एज अ पेरेंट्स मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन है या कुछ है या सर्दी खांसी होगी, बहुत बार ना एंटीबायोटिक्स दवाई दी जाती है, और ऐसे भी सुनने में आता है कि अगर एंटीबायोटिक हम लोग ज्यादा दे रहे हैं दिस विल अफेक्ट टू दी लीवर, क्या ये सच है? और ऐसे वक्त छोटे बच्चों के लिए हम लोग को क्या प्रिकॉशन करने चाहिए कि उनका लीवर भी हेल्दी रहे और कुछ मेडिसिन की अफेक्ट उनके ऊपर ना हो? तो इसमें कुछ आपने जो पूछा सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों है। तो हमारी लिस्ट है दवाओं की जिसको कहते हैं हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स अगर ज्यादा मात्रा में चले गए, लंबे टाइम तक चले गए तो लीवर प्रेशर कर सकते हैं, उसको हेपेटोटॉक्सिक। तो हर डॉक्टर के नजर में है वो कि अगर उसको जॉन्डिस है तो ये दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, सबसे डेंजरस ड्रग पैरासीटामोल है, तो ये सब। दूसरा, और पेन किलर्स है जिससे ब्लीडिंग हो सकता है। तो डॉक्टर्स के पास यूजुअली दिमाग में रहता है कि भी कौन से एंटीबायोटिक है जो हार्म करेंगे। यूजुअली लिमिटेड ड्रग्स होते हैं जो लीवर को हार्म करते हैं, मेनली टीबी के ट्रीटमेंट, मेनली जो कैंसर के ट्रीटमेंट आते हैं वो ध्यान रखते हैं, लेकिन रूटीन जो एंटीबायोटिक कॉफ कोट के लिए है वो लीवर को वो नहीं करते। ओके, यानी हम लोग का एंटीबायोटिक का डोज एक लिमिट में होना चाहिए, ओवरडोज कोई भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या कहेंगे, हम लोग ने सिम्टम्स बात कर ली है, बट बहुत बार ऐसे होता है ना कि एज अ कॉमन पर्सन हम लोग क्या करते हैं, एक आदत है सभी को कि एकदम लास्ट स्टेज पे जब तक ये डिजीज नहीं आ जाती ना तब तक वो घर के घरेलू नुस्खे चलते रहते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसके लिए मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है और ये हमें बताता है कि दैट इज यू आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डिजीज? सो एट द रिस्क ऑफ लिवर डिजीज तो मैंने बताया आपको, कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ओवर इंडल्जेंस नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ओवर इंडल्जेंस नहीं है, अब्यूज नहीं करना चाहिए अपने सिस्टर को, डाइट कंट्रोल करना चाहिए, फैटी लीवर नहीं हो जाए, दवाओं में ध्यान से लेना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जिससे लीवर प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन कोई टाइम अपने हाथ में नहीं। जैसे मैंने कहा, जब तक 70% लीवर डैमेज नहीं हो जाए मालूम नहीं पड़ता है, तो वो तो रेगुलर मेडिकल चेकअप करना चाहिए। सो मेडिकल चेकअप इज द मेन थिंग कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लीवर डिजीज है या नहीं है। सो कैसे होता है, एक नॉर्मल बेसिक लीवर डिजीज का पेशेंट अगर आता है तो ट्रीटमेंट कैसे रहती है? ये डिपेंड करता है कि भी क्यों लीवर डैमेज हुआ है। जैसे समझो, हम ऑफ कोर्स फिर बात करेंगे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया, वायरस ए और वायरस बी हो गया, तो ये वायरस यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। लेकिन माताजी, पिताजी, पेरेंट्स को जॉन्डिस हो गया, बुखार हो गया, कुछ करो, ये खाना नहीं दो, वो खाना नहीं दो, तो उनको सांत्वना देनी चाहिए कि भाई इसमें कोई दवा नहीं है। मैं दो ही चीज़ कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, जो जरिए एंड रिमेन अवे फ्रॉम व्हाटएवर मेडिसिन, डॉक्टर्स, आयुर्वेदा, सारे जो भी उनसे दूर रहो आप।
लेकिन पेशेंट समझते नहीं है, नहीं कुछ तो करो हमें, अगर एलोपैथी में नहीं दवा तो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले पास जाएंगे यू नो। और ये जरा ध्यान से अपने को देखना चाहिए। तो रेस्ट, ग्लूकोज ग्लूकोज रेडीमेड न्यूट्रिशन लीवर के लिए है, और दवाओं से दूर रहना चाहिए। ये बात हुई वायरल हेपेटाइटिस जो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर कोई दवाओं से लीवर डैमेज हो रहा है, कई दफे देखते हैं टीबी की दवा चालू है जॉन्डिस हो जाता है, टेम्परेली हमको दवा बंद करनी पड़ती है। और हाँ, पेशेंट अगर एडवांस स्टेज में आ जाए कि लीवर सिरोसिस हो गया उसको, और वो ड्रिंक करता है कंटिन्यूसली तो ऑब्वियसली पहली चीज है उसको ड्रिंक्स बंद करना चाहिए। माधवी, ऐसे पेशेंट मेरे पास हैं जो एक एक बोतल दारू की रोज पीते थे और उनका लीवर एडवांस लीवर डैमेज हो गया था, लेकिन वो एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर थे। भगवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग लीवर दिया है, जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो दूर रहे, इनसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, न्यूट्रिशन ले अच्छे, आज ऐसे पेशेंट हैं जो उनका लीवर में कोई भी इंडिकेशन नहीं है उनको लीवर डिजीज है। सी, रिपेरेटिव प्रोसेस ऑफ नेचर इज सो ग्रेट, आई कांट टेल यू। लेकिन जो लीवर को अब्यूज करते हैं हम लोग, उससे दूर रहना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आई थिंक ये एपिसोड भी उतना ही सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो दर्शकों, ऐसे और एपिसोड के साथ हम लोग मिलेंगे दोबारा डॉक्टर निरंजन बनका जी के साथ, क्योंकि लीवर ये एक ऐसा टॉपिक है जितना वो ऑर्गन लार्ज है और जितना मेन बॉडी के लिए है उतना ही वाइटल ऑर्गन, उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि लीवर डिजीज कौन से लीवर डिजीज के अलग अलग भाग है जिसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही मुलाकातों के साथ दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से कैमरामैन संकेत के साथ।